बद्रीनाथ विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। निकटवर्ती मतदेय स्थलों की करीब 68 पोलिंग पार्टियां आज ही पहुंचेंगी, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की वापसी 11 जुलाई को होगी। पोलिंग पार्टियों द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में मतदान सामग्री जमा कराई जा रही है। जोशीमठ में व्यापार सभा भारतीय सेना यात्रियों की मदद में आगे आई है, ताकि 24 घंटे से ज्यादा फंसे यात्री भूखे प्यासे ना रहें। अलग अलग जगहों पर लंगर की व्यवस्था शुरू की गई है। यही जोशीमठ की असली तस्वीर है कि जब जब आपदा या यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिलती है, तब तक प्रशासन की मदद करने के लिए कोई ना कोई आगे जरूर आता है। किच्छा में राजेंद्र सिंह बिष्ट की 14 साल की बेटी अनुष्का बिष्ट बच्चों के साथ घूमने के लिए गौला नदी की ओर गई थी कि इसी दौरान पैर फिसलने से वो गौला नदी में गिर गई और पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। स्थानीय निवासियों और पुलिस प्रशासन ने रात भर बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। अभी भी SDRF की टीम बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन खबर पड़े जाने तक किशोरी का कोई पता नहीं चल पाया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ कूड़ा डंपिंग जोन के पास बंद हुआ था, जिसे आज सुबह पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महिला शक्ति एसोसिएशन ने सरकार से देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागू किए जाने की मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष हिमा पटेल ने बताया कि विश्व में जनसंख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए ये विधेयक बेहद जरूरी है। सीतापुर में थाना हरगांव इलाके में आम की रखवाली कर रही महिलाओं ने युवक से आम तोड़ने से मना किया, तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष पुलिस सहायता केंद्र पहुंच गए, जहां पर दबंगों ने महिलाओं व लड़कियों को बेरहमी से पीटा और पुलिस तमाशा देखती रही। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि कई दिन हो गए, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। पीड़ित परिवार ने कहा 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई मामला पंजीकृत नहीं किया। पीड़ित परिवार ने आज फिर से पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर के थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 560 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP देहात ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में एक अभियुक्त अमजद को 560 ग्राम स्मैक सहित ग्राम नवाजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ कर अन्य साथियों के बारे में जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में नेपाल से नोएडा रागा लाद कर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुलिस की रेलिंग तोड़कर पानी में जा गिरा। कंडक्टर ने शीशा तोड़कर पानी में तैरकर जान बचाई। वही चालक दिनेश यादव की ट्रक में फंसने से मौत हो गई, जिसका शव लगभग 5 घंटों तक अंदर फंसा रहा। देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित मीरा देवी ने गांव के ही लोगों पर जमीन बेनामा कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरा पति गूंगा और बहरा है, उनको बहला फुसला कर गांव के ही लोग फर्जी तरीके से जमीन बेनामा कराना चाहते हैं, इसलिए मैं कई दिनों से तहसील परिसर के चक्कर काट रही हूँ। उसने बताया कि शुक्रवार की रात से ही उसका पति गायब है और मिल नहीं रहा है। महिला ने उप निरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। संभल विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय में ड्यूटी के दौरान गुरुजी मोबाइल में गेम खेलते हुए पाए गए। बता दें DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे कि इस दौरान शिक्षक प्रेम गोयल 2.5 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए। DM ने डिजिटल माध्यम से शिक्षक का मोबाइल चेक किया, जिसके बाद DM के निर्देश के बाद BSA ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स की सख्ती के आगे प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जोन 8 में शालीमार गार्डन में चल रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा और अवैध निर्माणकर्ताओं का बनाया खेल बिगड़ गया।